गई इस तरह का तो मैंने पहली बार देखा है, पूरी रोड फटी पड़ी है देखना, और यहाँ से लेके पूरी वहां तक, और कभी बारिश आने से ये पूरा नीचे जा सकता है अब कभी भी। चलो भाई निकाल दी थार तो। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो guys, आज का vlog काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एडवेंचर्स होने वाला है, because आज हम जा रहे हैं रिस्क लेके पहाड़ पे, because बारिश रुकी है तो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा हुआ, तो आपको दिखाएंगे बारिश के बाद कैसा लैंडस्लाइड होता है। हमारी रोड पे जाएंगे, जहाँ हम जाते हैं ना कैंपिंग वगैरह करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे, तो देखते हैं जो भी सीन रहेगा आप लोगों को दिखाएंगे कम्प्लीट। तो फिलहाल अभी लंच कर रहे हैं, इसके बाद निकलते हैं। और ध्यान से जाना है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, सब इधर उधर से उधर सारे पहाड़ नीचे गिर के आ रहे हैं। वही तो दिखाना है, पहाड़ नीचे गिरे हुए दिखाने हैं। क्यों दिखाने, क्यों जाना हो रहा है, मतलब पहाड़ मतलब क्या हाल है वो दिखाना पड़ेगा। इसलिए दिखाना है कि लोगों को पता लगे कि पहाड़ों में जाना कितना बड़ा रिस्क है। लोग देख रहे हैं, लोग सारे इनमें से देख रहे हैं, पता है तुमको। थोड़ी ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे आपको कि क्या हाल है यहाँ का, हमारी जगह का क्या हाल है। फिलहाल खाना खाते हैं और निकलते हैं। कुनाली भी छोटा है, कुनाली को ले जाएंगे, ठीक है कुनाली। तो खाना पीना हो चुका है, चलो फिलहाल निकलते हैं, अब थार लेके चलेंगे। तो पहले बोबिया के पास जाएंगे, बोबिया को पिक करेंगे। कहाँ ले जा रहे हो? आज चलेंगे कहीं नए रूट पे, देखते बारिश से लैंडस्लाइड। ये देखो पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है, उल्टा ट्रैक्टर चला रहे भाई, इतनी खतरनाक रोड पे उल्टा ट्रैक्टर, सब गिरा पड़ेगा। ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे तो हर जगह पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, और वो भी कहाँ पे ले आए हमको, ये बारिश में ही गिरे हैं, अभी गिरे हैं सारे। ले आओ ले आओ ले आओ, यहाँ तो पूरी रोड में पत्थर गिरे हुए हैं, कहाँ ले आ रहे हो? देखते हैं थोड़ा सा, डर के आगे जीत है, डर के आगे पत्थर है, पत्थर तो है। गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे देखो भाई पूरी जमीन फटी पड़ी है भाई, धसी पड़ी है पूरी जमीन, और देखो यहाँ पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ये देखो भाई कैसे पूरी दरार रखी रोड में, पूरी दरार रखी रोड में देखो। और अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं, देखो सामने देखो गाइस, इस तरह का तो मैंने पहली बार देखा है, पूरी रोड फटी पड़ी है देखना, और यहाँ से लेके पूरी वहां तक, और कभी भी बारिश आने से ये पूरा नीचे आ सकता है अब कभी भी। अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं गाइस, और ये कभी भी नीचे आ सकता है, जब ये नीचे आएगा ना तो ये रोड भी खराब हो जाएगी। बहुत रिस्क है भाई पहाड़ों में, कैसे रहते हैं पहाड़ों पे, दोबारा बारिश हुई तो खत्म ही है। हाँ, एक बार ज्यादा बारिश होगी पानी भर जाएगा ना इसमें, और ये भी गीला हो जाएगा, ये पूरा नीचे जाएगा। फिर ऊपर गांव है लोगों के, वो डेली आते जाते हैं, उनको कितना रिस्क होता है ना, सब्जी लेके जाते हैं पता है यहाँ से हल्द्वानी। अच्छा, सारी सब्जियां गांव की जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं वो लेके हल्द्वानी आते हैं। मतलब पहाड़ों में ऐसे व्यू देखने में तो काफी अच्छा लगता है, घूमने फिरने में अच्छा लगता है, लेकिन ये देख के डर लगता है भाई। मैं फटी हुई रोड के ऊपर चल रहा हूँ भाई, तो अब वो भी थार लेके आ रहे हैं। ये पेड़ भी गिर सकता है कभी भी, वो क्रैक के ऊपर तो नहीं जा रही। चलो भाई निकाल दी थार तो, कच्ची हो रखी पूरी, दब जा रही है वेट से, देखो आपने, और इस वेट से दब गई, देखो बहुत कच्ची पूरी दब जा रही है, ये देखो पैर मार के ऐसे जा रही है। तो अभी हम यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या है। एक चीज गौर करने की है यहाँ पे, कभी भी हम पेड़ देखते हैं ना, ये सामने पेड़ है, इस पेड़ की हाइट देखो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा होगा 15 से 20 फीट की हाइट होगी ना पेड़ की, बट उसकी जड़ देख भाई नीचे देख कहाँ तक आ रही। हाँ जड़ देखो भाई इसकी, ये जो पेड़ है इतना सा पेड़ है, लेकिन इसकी जड़ पेड़ से भी बड़ी है, यहाँ से देखो पूरी नीचे तक आई हुई है, पेड़ के डबल साइज। तो मेरा मेन पर्पस जो बताने का है ना वो क्या है मालूम, कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ये जड़ें जो होती हैं इस पहाड़ को पकड़ती हैं, मजबूत करती हैं, इसलिए कहते हैं कि पेड़ मत काटो, ये रीजन है मेनली। इतनी जड़ें हैं ना ये, ऐसे सब जड़ें जब इसकी फैलेंगी तो ये रॉक को पकड़ेंगी, मिट्टी को पकड़ेंगी, रॉक को पकड़ेंगी, तो उससे लैंडस्लाइड नहीं होगा, इसलिए पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और यहाँ पे देखो लोगों के घर भी हैं सामने देखो, तो मतलब लोग रहते हैं ऐसी जगहों में भी, देखो यहाँ पे रोड साइड टूटी मूटी है ना गाइस, यहाँ फिर से लैंडस्लाइड है, मुझे उतरना पड़ता है बताने के लिए, आराम से पत्थर है। हाँ आ जाओ गाइस, यहाँ पे तो पूरा पेड़ गिरा हुआ देखो, तो थार लेके जानी है, थार चली जाएगी इसके ऊपर से, आई थिंक ले आओ चली जाएगी, देखो पूरा जड़ से उखड़ा हुआ है, थार तो चली जाएगी, लेकिन मुझे फिर उतर के बताना पड़ता है। अरे आगे तो पत्थर गिरा हुआ है, एक मिनट रुको, मैं उतरूंगा ना, मुझे बार बार उतरना पड़ा, देखो पत्थर गिरा हुआ है, ले आओ। आई थिंक आगे एक और पेड़ गिरा हुआ है भाई, मुझे नहीं लग रहा हम जा पाएंगे ज्यादा आगे तक, यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, देखो पूरी जड़ उखड़ गई है। लेकिन मॉन्स्टर ट्रक होता ना, मॉन्स्टर ट्रक खींच देता इसको, पिंच लगा के थार नहीं खींच सकती इसको। हमारा प्लान था बिल्कुल एंड तक जाने का है ना, गांव के लोग कैसे जाते होंगे, गांव के लोग गाड़ी में थोड़ी जाते होंगे, गांव के लोग बाइक में, अगर निकल भी जाएंगे ना यहाँ से
आगे फिर ब्लॉक है, वहां से तो निकल ही नहीं सकते। ये देखो सामने पत्थर ही पत्थर है, यहाँ से तो निकल ही नहीं सकते भाई। मैं कह रहा हूँ पत्थर भी ऐसे लग रहे हैं ना जैसे बिस्किट काट के रख दिया पूरा। हाँ यार ये नेचुरली कटा है ना, नेचुरल ये देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ से तो गाड़ी जा ही नहीं सकती। गाइस देखो कान खजूरा भाई, आज कितना लैंडस्लाइड मिल गया ना हमको, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड मिल गया हमको आज। ये देखो भाई इधर भी पूरी रोड टूटी हुई है। गाइस अगर बारिश हो गई ना अभी हम फंस जाएंगे। गाइस ये देखो बोई बे के हाथ पे जॉक लग गया, ये खून चूस लेगा आपका, खून चूस लेगा आपका। कोई बात नहीं बेचारा फायदे में रहेगा। उसको पता नहीं कि इसका खून चूस रहा है, उसके अंदर फिर एडवेंचर वाला पावर आ जाएगी। ये हमारा जो गंदा ब्लड होता है ना वो चूसते हैं, मर जाता है खून पी के। अरे हम मेरा इतना जहरीला खून है। अच्छा देखो लेडी बग, क्या लेडी बग, लेडी बग उड़ जाएगी। तो क्या करें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से वापस जाएंगे। ऑफरोडिंग जहाँ तक हमने करनी थी कर ली, इससे आगे रिस्क लेना बेकार है। रोड पे आने का मेन मकसद ये था कि आपको दिखाना किस तरीके से पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि समर्स में तो ठीक है लेकिन बरसात के सीजन में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इतना लैंडस्लाइड होता है कि कहीं भी आपकी गाड़ी फंस सकती है, ऐसे लैंडस्लाइड हो सकता है, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं। गाइस हर साल ना इन दिनों बारिश के दिनों बहुत लोगों की डेथ होती है यहाँ पे, किसी की गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर जाता है, किसी गाड़ी ऊपर पत्थर गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं ना। गाइस हम तो बहुत रिस्क लेके यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन हमको पता था कि बारिश नहीं हो रही है, अभी धूप हो रही है हल्की हल्की। गाइज ये देखो अभी अभी गिरा है, जब हम गए थे तब नहीं था ये, देख के रहना ऊपर से और भी गिरा था। भाई ये तो बहुत भारी है, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाओ, ये उड़ गया। अरे अरे बॉय भी अभी आ गए, यहाँ की दिक्कत है यार, इतना बड़ा पत्थर है ना ये गाड़ी के ऊपर गिर गया ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हवा नहीं है क्या इसमें? गाइस हम तो रिस्क लेके आ गए यहाँ पे, आप लोग मत आना ऐसे कभी भाई, क्योंकि देखो मेरे को पत्थर हटाने पड़े हुए मुझे, तो पत्थर ज्यादा बड़े भी हो सकते थे जो कि हटा ही नहीं पाते। फिर हम तो ये पहाड़ से नीचे आ गए, हल्द्वानी पहुंच गए, अब चलते घर सीधा। तो भाई सोसाइटी पहुंच चुके हैं, आज का दिन खतरनाक था ना भाई, मस्त एकदम एडवेंचरस डे। देखो हम तो बहुत सेफ जगह पे रहते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, ये बहुत सेफ है, कितनी बारिश है कुछ भी हो जाए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो वहाँ गाँव में रहते हैं उनका क्या है ना, वो तो पूरा रिस्क में रहते हैं उधर ना। सर्दा आगे हैं होली, तो गाइस डिनर रेडी हो चुका है, फिलहाल डिनर करते हैं। पत्थर ही पत्थर गिरे हुए थे, पत्थर हटाने पड़े मेरे को। गाइस हम तो पास में ही गए थे बट हिमाचल मनाली बहुत सारी जगहों में और खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है, बहुत घर टूट गए, बहुत रोड टूट गई, बहुत नुकसान हो गया, अब की बार बहुत नुकसान हो गया इस, बहुत ज़्यादा। बस बारिशों में ध्यान रखना, पहाड़ों में ट्रैवल कम करना। तो फिलहाल अब डिनर करते हैं, आज बनी है पेठा एंड रोटी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो भी अभी जा रहे हैं, वो भी अभी जा रहे हैं, फिर भी रिक्स क्या रिक्स क्या कहते हैं, रिस्क नहीं लेते, रिस्क रिस्क।